वहीं दिल्ली में आईसीयू बेड की किल्लत को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। रामलीला मैदान में सैकड़ों मजदूर रात दिन एक करके तैयारियों में जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज तैयारियों का जायजा लिया। रामलीला मैदान में 500 बेड के अस्थायी आईसीयू कोविड अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है और शायद यही वजह है कि एक दिन में मौत का आंकड़ा 448 तक पहुंच गया है। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से बेड की किल्लत को दूर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में हूं और यहां देख सकते हैं कि बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं जिसमें कि 500 आईसीयू बेड्स लगाए जाएंगे। यहां अंदर देख सकते हैं लोहे की पहले नीचे एक बेस देकर उसके ऊपर फ्लोरिंग की जा रही है। फ्लोरिंग के साथ साथ यहाँ पर बिजली के उपकरण भी लगाए जाएंगे। हर बेड पर आईसीयू के मुताबिक बिजली दी जाएगी। आईसीयू के सेटअप जो है वो लगाए जाएंगे और यहाँ चूंकि पावर की काफ़ी डिमांड होगी इसे देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर अलग अलग तरफ लगाए गए ताकि बिजली की कोई कमी नहीं हो। एसी के प्लांट्स लाए गए हैं, एसी लगाए जा रहे हैं और साथ साथ ऑक्सीजन की भी लाइन बिछाई जा रही है ताकि हर बेड पर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन भी पहुंच सके। इसके अलावा यहां पर सड़कें भी बनाई जा रही है, नालियां भी बनाई जा रही है, पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स जो आएंगे, मेडिकल टीम जो आएंंगे उनके लिए भी अलग से इंतजाम किया जा रहा है ताकि वो भी विपरीत परिस्थितियों का सामना उन्हें भी नहीं करना पड़े। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है ताकि जिंदगी को बचाने में वो कारगर साबित हो। इसी तरह की व्यवस्था जीटीबी अस्पताल के सामने भी रामलीला मैदान में की जा रही है। वहाँ भी 500 आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये टेम्परेरी इंतजाम है लेकिन जिस तरह से तैयारी दिख रही है उसे देखकर नहीं लगता कि कम से कम 4 से 6 महीने तक ये कहीं जाने वाला हो। तो फिलहाल मौत के आंकड़े दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं, चारों तरफ ऑक्सीजन और बेड के लिए हाहाकार मचा है और इस बीच दिल्ली सरकार 10 दिनों में इसे तैयार करने की बात कह रही है। तो नज़र इस बात पर होगी कि इसके शुरू होने के बाद दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की जो लगातार किल्लत बनी हुई है उससे कितनी राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल यहां पर सैकड़ों मजदूर रात दिन एक कर तैयारियों में जुटे हुए हैं। रामलीला मैदान से कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।